अलग्नता के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दो जीवों के मध्य जितनी कम दूरी होगी उतने ज्यादा ही जीव सहलग्न होंगे और जितनी ज्यादा दूरी होगी उतने ही जीवों की सहलग्नता कम हो जाती है। तो सहलग्नता को हमने एक और क्रॉसिंग ओवर के साथ देखा। क्रॉसिंग ओवर के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन था, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, ये कि क्रॉसिंग ओवर होगा तो सहलग्नता दूर हो जाएगी। तो सहलग्नता और जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर दोनों एक दूसरे के विपरीत परिघटना है। जीन विनिमय के अंतर्गत नए संयोजन बनते हैं, ठीक है, और सहलग्नता के अंतर्गत वही जीन साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। तो ये हम लोगों ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं मातृत्व प्रभाव तथा कोशिका द्रव्य वंशागति। मातृत्व प्रभाव तथा कोशिका द्रव्य वंशागति क्या है, यह मुख्य रूप से उस बात पर फोकस करती है कि ना सिर्फ केंद्रकीय जीन ही किसी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं, बल्कि प्रकृति में ऐसा देखा गया है कि अनेक लक्षण कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीनों या कोशिका द्रव्य में उपस्थित कारकों द्वारा भी निर्धारित होते हैं, ठीक है। तथा यह भी देखा गया है कि मात्र जो कोशिका है, दो होती है ना, एक मातृ कोशिका और दूसरी पैतृक कोशिका, तो मातृ कोशिका का प्रभाव संतति पर ज्यादा पड़ता है। समझ रही बात, यानी कि ऐसा देखा गया है कि कुछ जीवों में उपस्थित कुछ लक्षणों के लिए मातृत्व या मातृ कोशिका में उपस्थित जो लक्षण है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनका प्रभाव अधिक होता है। इसके अतिरिक्त साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या कोशिका द्रव्य वंशागति के अंतर्गत यह कहा जाता है कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें उपस्थित कारक संतति के लक्षणों को निर्धारित करने में सक्षम होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र ही गुणों को या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ये जानते ना। लेकिन नई चीज हो रही है कि नई चीज मतलब कि इसके अलावा भी जो है कोशिका द्रव्य वंशागति के अंतर्गत यह बताया गया है कि ना सिर्फ केंद्रकीय द्रव अर्थात केंद्रक में उपस्थित मटेरियल, बल्कि केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो मटेरियल है वह भी वंशानुगत का जो लक्षण है उनको निर्धारित करने में सक्षम होते हैं, परंतु यह कुछ जीवों में कुछ लक्षणों के आधार पर होता है, ठीक है ना। तो वो जीव उनका लक्षण उनके हम देख आप देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर्नल इफेक्ट क्या है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है। हम जानते हैं कि जब कोशिका डिवाइड होती है, चाहे वह माइटोसिस के द्वारा हो या मियोसिस के द्वारा, गुणसूत्र जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वेरी प्रेसाइज मैनर में जाते हैं, जाते ही जाते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने कुछ देर बाद। अर्धसूत्र विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा कि गुणसूत्र जो है अपनी संख्या में आधे हो जाएंगे, ये बात है, गुणसूत्र अपनी संख्या में आधे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त माइटोसिस में भी क्या होता है कि गुणसूत्र अपनी संख्या में आधे हो जाते हैं, होता है कि नहीं। माइटोसिस और मेयोसिस प्रक्रिया से पहले गुणसूत्र अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, दुगुने हो जाते हैं, भाई जो 2n है वो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा डीएनए संश्लेषण प्रक्रिया में, और फिर माइटोसिस या मेयोसिस के अंतर्गत वो आधा हो जाएगा। मियोसिस में यह विभाजन दो प्रकार दो बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में तो आधा हो जाएगा, मियोसिस सेकंड में और आधा हो जाएगा। तो जो पैतृक कोशिका 2n थी वह अब n हो जाती है, हैप्लोइड हो जाती है, हैप्लोइड की जगह हैप्लोइड। तो यह हम जानते हैं कि जो केंद्रकीय पदार्थ है अर्थात गुणसूत्र जो है वह आधा आधा बढ़ जाता है, जानते हैं। लेकिन क्या कोशिका द्रव्य भी आधा आधा बढ़ता है, क्या कोशिका द्रव्य भी आधा आधा बढ़ता है, नहीं बढ़ता ना। देखिए ये एक अंडा है, हम जानते हैं कि अंडा हमेशा आकार में बड़ा होता है, इसमें अंडे द्रव्य उपस्थित होता है, उपलब्ध होता है, बताएंगे। तो इसके अलावा
यह अंतर निश्चित होगा तो एक छोटे मेल गैमेट के द्वारा होगा। मेल गैमेट के अंतर्गत मेल न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये मेल न्यूक्लियस जाकर के जो फीमेल गैमेट है उसको जाकर के फर्टिलाइज करते हैं। इतनी बात, यानी कि मेल कहाँ जा रहा है, फीमेल के पास, और मेल का गैमेट का न्यूक्लियस ही जाएगा, न्यूक्लियस जाकर उसको पेनिट्रेट करके और एक एग में चला जाएगा। तो केंद्रक तो दोनों के पास है, ये भी केंद्रक है और ये भी केंद्रक, परंतु कोशिका द्रव्य किसका उपस्थित रहेगा, ये आकर के यहाँ जाएगा, दोनों में संयोजन हो गए, एग के पास ही आएगा, फीमेल गैमेट के पास आया, तो फीमेल गैमेट के पास जब संयोजन कर लेगा तो एक जायगोट बन जाता है, टू एग न्यूक्लियस हो गया, जायगोट बन गया। तो इसमें कोशिका द्रव्य किसका आएगा, मेल गैमेट का या फीमेल गैमेट का, फीमेल है, हमेशा आधार पर ऐसा ही होता है। आप चाहे आप जिम्नास्टिक या एनजीओ स्कूल पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी जैसे स्त्रीधानी होती है, अंड समुच्चय पाए जाते हैं, ठीक है ना, आर्किगोनिया में, तो उसमें क्या होता है कि एग का जो न्यूक्लियस है उससे माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस आकर के जुड़ जाता है, और वो जो अगर जो स्त्री मुखोद्भिद है जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो परिवर्तित होकर सीड बना लेते हैं, ये होता है। तो पूरा पूरा जो कहेंगे हम कोशिका का मेटेरियल किसका उपस्थित रहेगा, फीमेल गैमेट, जबकि मेल गैमेट का क्या आएगा, सिर्फ केंद्रकीय पदार्थ का, ये बात है। तो केंद्रकीय पदार्थ की उपस्थिति सिर्फ मेल गैमेट की होती है, तो हम यह कह पाएंगे कि तुलनात्मक रूप से कोशिका द्रव्य का जो योगदान होता है जायगोट में वह किसका ज्यादा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट के कोशिका द्रव्य के ज्यादा योगदान तुलनात्मक रूप से मेल गैमेट से ज्यादा योगदान होने के कारण उसके कुछ कारक संतति के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। इसे हम मात्रात्मक प्रभाव है, क्या कहेंगे, मात्रत्व प्रभाव। इसी को अगर हम साइटोप्लाज्म से जोड़ दें, साइटोप्लाज्म किसका है, फीमेल गैमेट का। तो इसी प्रकार यदि जो मात्र कोशिका का साइटोप्लाज्म यदि संतति के लक्षणों को निर्धारित कर रहा है तो ऐसे स्थिति में वह वंशाकृति क्या कहलाएगी, कोशिका द्रव्य वंशाकृति। समझ गए, इसको हम एक उदाहरण से देख पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा, पारस्परिक संकरण, देखते हैं क्या है। देखिए मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्र है, एक कोशिका इसका केंद्र, कोशिका है ए, दूसरी कोशिका है बी, ए कोशिका ये तो लिया है हमने मैटर नोट माना, और बी लिया है यहाँ पर दोनों को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये तो कोशिका द्रव्य हो गया ए, ठीक है, तो बी का जो कोशिका द्रव्य है उसको अपन खाली छोड़ दें, खाली नहीं मतलब इसका कोशिका द्रव्य है मैं इसको ऐसे डॉट पर नहीं लगा दूँ, ठीक है, तो बी का जो कोशिका द्रव्य प्लेन है उसको हमने प्लेन पर दिखा दिया, बी का अपन केंद्र जो है इसको डॉट पर दिखा दिया, दोनों के मध्य संकरण कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर ये प्राप्त होता है फीमेल कौन है, ए है,
किसके समान है? ए के समान है, बी के समान? ए के समान। एग्जांपल कोशिकाएं दो ही हैं, दो ही हैं कोशिकाएं, दोनों अलग अलग प्रकार की, दोनों ही कोशिकाएं संकरित हो रही हैं, एक संतति बन रही है, लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क करने पर कि कभी एक कोशिका को नर के रूप में प्रयुक्त किया गया जबकि दूसरी कोशिका का मादा युग्मक को प्रयुक्त किया गया, उसी में डिफरेंस आ गया। वहां पर तो संतति कैसे होगी, एक है समान, और यहां पर संतति कैसे हो गई, अंतर आ गया। तो यह जो अंतर है यही मातत्व प्रभाव अथवा कोशिका द्रव्य वंशा गति है। अंतर आया नहीं आया बताओ, क्या केंद्र में कोई अंतर आया था? केंद्र तो समान ही रहा ना, अपने आधा आधा उसका आ गया, आधा उसका आ गया, जो भी आधा है जो भी आधा है, लेकिन कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य किसका आता है, हमेशा मादा का आता है, और मादा को अपने पलट पलट दिया, पहले ए लिया अगली बार बी लिया, तो उसकी वजह से, यानी कि सिर्फ जो मादा युग्मक है वही कोशिका द्रव्य को निर्धारित कर रहा है, उसकी वजह से जो संतति है वह कैसे हो जाएगी, मात्रा कोशिका के समान। तो इस प्रकार ये जो कोशिका द्रव्य वंशागति या मातृत्व प्रभाव प्रदर्शित होता है, यह मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में देखे स्केच बताया, अब समझ में आया साइटोप्लाज्म या मेटोप्लाज्म क्या है, समझ आया? अब सवाल ये उठता है कि केंद्रक में तो जीन उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, तो कोशिका द्रव्य में ऐसे कौन से कारक उपस्थित हैं जो कि ऐसे लक्षणों को परिवर्तित कर देते हैं? कोशिका द्रव्य में ऐसे कौन से कारक उपस्थित होंगे जो कि लक्षणों को परिवर्तित कर देते हैं? देखिए, इसके लिए इन्होंने दो टर्म इस्तेमाल किए, न्यूक्लियर जीन और प्लाज्मा जीन, इनको प्लाज्मोन भी कहा जाता है, अर्थात प्लाज्मा या कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित कारक है, कोई भी जो कारक है उनको उन्होंने प्लाज्मा जीन के रूप में परिभाषित किया, जबकि न्यूक्लियर जीन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, जीन होते हैं, जेनेटिक कोड वगैरह सब पढ़ा है हमने, नाइट्रोजन शर्करा क्रम पढ़ा ही नहीं। तो फिर प्लाज्मा जीन में कोई भी कारक जो भी कोशिका द्रव्य में उपस्थित है जो संतति के लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं, प्लाज्मा जीन कहलाएंगे या प्लाज्मोन कहलाएंगे।
प्लाज्मा जीन में कौन कौन से कारक उपस्थित हो सकते हैं? हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहलाते हैं, अर्ध स्वायत्त। क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं अर्ध स्वायत्त? क्योंकि उनके अंदर स्वयं का डीएनए पाया है। तो उन डीएनए पर भी क्या होगा? नाइट्रोजन क्षारकोक्रम होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में उपस्थित जो जीन है वो भी कोशिका द्रव्य के जो लक्षण, कोशिका द्रव्य का जो प्रभाव है उसको निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। जीन तो है ही ना उनके अंदर। ऐसा यह देखा गया है रिसर्च में कि प्लाज्मा जीन तो है ही, लेकिन प्लाज्मा जीन के भाग कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए और प्लास्टिक का डीएनए। इसके अलावा तो कोई डीएनए पाया नहीं जाता। इसके अलावा कुछ जीवों में जैसे बैक्टीरिया है, जैसे कोई दूसरा है, उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे जीवाणु में हमने सुना है प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड क्या है? अंतरिक्ष गुणसूत्र संरचना पढ़ी है ना हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में। तो इस प्रकार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट्स या जो खंड पाए जाते हैं वे भी कोशिका द्रव्य का भाग होते हैं तथा वे भी कोशिका द्रव्य के जो लक्षणों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है उसको निर्धारित कर। समझ आ गया क्या है कोशिका द्रव्य विशेषता? चूंकि मात्रक कोशिका के कोशिका द्रव्य का तुलनात्मक रूप से अधिक योगदान होता है, इस वजह से संतति के कुछ लक्षण जो है वो मात्रक कोशिका के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसे हम मात्रक प्रभाव कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के अधिक योगदान होने के कारण से संतति में लक्षणों का परिवर्तन या निर्धारण कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाता है। कोशिका द्रव्य वंशागति कोशिका द्रव्य में उपस्थित कुछ कारकों द्वारा निर्धारित होती है। वे कारक प्लाज्मा जीन या माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिड जीन हो सकते हैं। चलिए अब इसके लिए हमारे सिलेबस में इनको समझने के लिए दो उदाहरण उपस्थित हैं, उन उदाहरण के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉइलिंग इन स्नेल्स, घोंगे में कुंडलीकरण, और दूसरा देखेंगे हम पप्पा पार्टिकल इन टेरामेशिया। तो सबसे पहले देखते हैं घोंगे में कुंडलीकरण। देखिए स्नेल्स में जो होल पाया जाता है, जो कवच पाया जाता है, इसमें कुंडलीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो डेक्सकल या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कुंडल डेक्सकल। दूसरा होता है सिनिस्ट्रल या वामावर्त कुंडल। डेक्सकल तो हो गया आपके है, वह एक रिसेसिव एलील
स्मॉल डी के द्वारा निर्धारित होता है। तो स्मॉल डी कैसा है? रिसेसिव, जो कि हमने इसको छोटा लिखा है, और कैपिटल डी कैसा है? डोमिनेंट है, हमने इसको बड़ा लिखा है। तो हम चूंकि मेंटलिज्म और नॉन मेंटलिज्म ये सब पढ़ के आए हम लोग, हमको पता है अच्छे से कि ये कैसे काम करता है। एफ वन पी डी में क्या प्राप्त होना चाहिए? क्या प्राप्त होना चाहिए? जो डोमिनेंट एलील है उसके लक्षण प्राप्त होने चाहिए, ठीक है ना। खैर, हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं किस प्रकार क्रॉस करते हैं। हम जानते हैं कि कैपिटल डी तो अकेला ही काफी है, और स्मॉल डी कब काफी होगा? क्योंकि वो होमोजाइनस कंडीशन में होगा, अभी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये बात है ना। हमको प्रभाव क्या प्राप्त होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक डेक्स्ट्रल स्नेल और एक सेमिस्ट्रल स्नेल में संपर्क बनाया जाता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी स्मॉल। ये जो डेक्स्ट्रल हुआ इसको हम मादा के रूप में लेंगे, मादा कोशिका, और सिस्टर को हम नर कोशिका के रूप में लेंगे। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो डेक्स्ट्रल प्रकार का स्नेह हमको प्राप्त हुआ, इसका संयोजन था ऑब्वियसली क्या, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी का संयोजन प्राप्त हुआ, और ये कैसा प्राप्त हुआ हमको? डेक्स्ट्रल, जैसा कि हमको प्राप्त होना चाहिए था। जब इसका संकरण कराया गया, ये तो बड़ी एफ वन पी डी, जब इसका संकरण कराया गया अर्थात कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी, ये हो गया मादा और ये हो गया नर, ठीक है। तो इन दोनों का जब हमने ये कराया संकरण तो क्या संयोजन प्राप्त हुए? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी स्मॉल डी, ये प्राप्त हुए हमारे पास एफ टू पी डी। ये संयोजन प्राप्त हुए, यही प्राप्त होते हैं हमेशा, इस तरीके से प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से अब कौन सा होना चाहिए इसमें? ये कौन सा होना चाहिए? डेक्स्ट्रल। तो ये तो डेक्स्ट्रल थे, ये क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रल होना चाहिए स्मॉल डी। लेकिन यह देखा गया कि लिमिया वगैरह में एफ टू पी डी में डी स्मॉल डी स्मॉल डी के रूप में भी यह है संयोजन डेक्स्ट्रल प्राप्त हुआ। ऐसा प्राप्त हुआ, डेक्स्ट्रल प्राप्त हुआ। और एफ थ्री पी डी तीसरी पी डी जब देखी गई, ऑटोग्रामी कराई गई, और एफ थ्री पी डी में देखा गया कि ये डेक्स्ट्रल और फिर सेमिस्ट्रल संयोजन प्राप्त हुआ। एफ थ्री पी डी इसका यह रीजन दिया गया कि फीमेल जो गैमेट था ये मातृकोशिका कैसी फीमेल थी, यहां पर ये क्या है? फीमेल है, कैपिटल डी कैपिटल डी, जिसमें क्या है? डोमिनेंट एलील उपस्थित है, कौन सा है? ये कैपिटल डी। तो फीमेल होने की वजह से जो है संयोजन में एफ टू पी डी में डेक्स्ट्रल का फीमेल कैसा था यहां पर? डेक्स्ट्रल। तो डेक्स्ट्रल डी जो है वह फीमेल कोशिका से संबंधित होने की वजह से एफ टू पी डी में उनको डेक्स्ट्रल प्रकार का ये संयोजन था। तो सिनिस्टर होने की वजह डेक्स्ट्रल होने का, इनकी वजह क्या थी?
मात्रक प्रभाव करना है। और क्लियर हो जाएगी स्थिति। यदि हम इसी का रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, ये संयोजन प्राप्त हुआ डेक्सटर 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 और डेक्सटर, यहाँ पर भी ये प्राप्त हुआ था एक्टिव मीडियम, ये प्राप्त हुआ था संयोजन, दोनों संयोजन समान है परंतु एफ और पी डी यहाँ पर क्या हुआ, ये सिनेस्टर। क्लियर? अब ये सिनेस्टर क्यों हुई, जो कि वो बात थी, क्या बात थी कि मादा युग्मक में, मादा जो कोशिका थी उसमें कौन सा एलिमेंट उपस्थित था, डोमिनेंट, इसीलिए डोमिनेंट के फीचर सिस्टम आया। यहां पर जो मादा युग्मक है उसमें क्या डोमिनेंट एलील है, नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं होने की वजह से इसमें जो है सिनेस्टर के फीचर्स आए, ये होने लगे। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके ऊपर निर्धारित हुई है, मादा कोशिका। मातृत्व प्रभाव इस रूप का है जो हमने पहले बात की, उसका उदाहरण के रूप में हम यहाँ देख पाएंगे कि कोई जिसमें मातृत्व प्रभाव को लिंग उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जिसमें एक में तो यदि जो डोमिनेंट एलील युक्त जो कोशिका है यदि वह मादा कोशिका है ऐसी स्थिति में डेक्सटर संयोजन प्राप्त होगा, जबकि यदि डोमिनेंट एलील रहित मादा कोशिका है तो सिनेस्टर कॉइलिंग इसमें प्राप्त होगी। क्या होगा जब कराई जाएगी तब इसमें संयोजन जिस प्रकार पहले वाले संयोजन में प्राप्त होते हैं उसी प्रकार प्राप्त होता है सिनेस्टर, और यानी कि प्रथम पीढ़ी पर सिनेस्टर होते हुए भी हमको समान संयोजन एफ टू पीढ़ी और एफ थ्री पीढ़ी में प्राप्त हो रहे हैं। ये क्या है, इसका प्रभाव है माला मात्र। तो पूरे के पूरे इस क्रॉस में एक ही बात सामने आती है कि डोमिनेंट एलील जो है डी मादा कोशिका उपस्थित है या नहीं है, तो डेक्सटर प्राप्त होगा, नहीं है तो सिनेस्टर प्राप्त होगा। ठीक है ना, सारा एलील का मादा कोशिका।
ये हो गया बात और आपका अगला देखते हैं कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशन। ये जो अभी काम जो द्वारा पढ़ा था मीठा मार्ग का जो प्रभाव था मैकडोनल इफेक्ट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिया इफेक्ट, दोनों लगभग एक ऐसी बात है परंतु साइटोप्लाज्म किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशन। पैरामीशन के दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, किलर स्ट्रेन और दूसरा सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन एक ही पैरामीशन की प्रजाति के दो प्रभेद पाए जाते हैं। इसमें अगर हमने फर्स्ट ईयर में देखा था ग्रिफिथ के प्रयोग में क्या देखा था, उसमें एक ही प्रजाति के डिप्लोकोकस में बनाए गए दो प्रभेद थे, एक आर और एक एस, आर सर्किल और एस सर्किल। इसी प्रकार पैरामीशन के यहाँ पर दो प्रभेद है, एक को किलर स्ट्रेन बोलते हैं और दूसरे को सेंसिटिव स्ट्रेन। वास्तव में दोनों में डिफरेंस क्या है कि किलर स्ट्रेन एक टॉक्सिन का उत्पादन करता है और उस टॉक्सिन का नाम है पैरामीसिन। ये जो पैरामीसिन है यह सेंसिटिव स्ट्रेन को मार देता है, इज टॉक्सिक टू सेंसिटिव स्ट्रेन। जिन स्ट्रेन में पैरामीसिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन स्ट्रेन के कोशिका जाल में कुछ विशिष्ट कण पाए जाते हैं, उन कणों को हम कहते हैं कप्पा पार्टिकल। तो किलर स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से पैरामीसिन नामक टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न होता है और इस पैरामीसिन नामक टॉक्सिक पदार्थ के कारण सेंसिटिव स्ट्रेन मारा जाता है। तो किलर स्ट्रेन में क्या उपस्थित रहेगा, कप्पा पार्टिकल, और सेंसिटिव स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल एब्सेंट रहेगा, उपस्थित नहीं रहेगा। इसमें उपस्थित है पैरामीसिन उत्पन्न हो रहा है, सेंसिटिव स्ट्रेन के ऊपर यह टॉक्सिक प्रभाव डालता है, यह मर जाता है। ये तो एक हमने बात की इनका जीनोटाइप क्या होता है। किलर स्ट्रेन जो है वह निर्धारित होता है कैपिटल के कैपिटल कैपिटल जो कि एक डोमिनेंट जीन है, ऐसा हुआ ये डोमिनेंट जो क्या हमने कैसा लिखा है इसको कैपिटल में लिखा है। सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वह उसमें कप्पा नहीं हुआ, कप्पा लेस पार्टिकल है, तो यह जो है स्मॉल के द्वारा निर्धारित होगा और स्मॉल के ऐसा हुआ ये रिसेसिव एलील। क्लियर, जैसे सेल कॉलोनी में वैक्सन क्या था कैपिटल डी डोमिनेंट था और स्मॉल डी रिसेसिव था, इसी प्रकार कप्पा पार्टिकल में कैपिटल के डोमिनेंट है जो कि किलर स्ट्रेन को निर्धारित कर रहा है और स्मॉल के रिसेसिव है जो कि सेंसिटिव स्ट्रेन को निर्धारित। देखिए क्रॉस देखते हैं क्रॉस कैसे बनाएंगे।
सही है, किलर हो गया और एक सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव वाला में स्मॉल ही है, स्मॉल ही सब युग्मजीव अवस्था में, किलर वाला में कैपिटल के कैपिटल के सब युग्मजीव अवस्था। हमने यहाँ पर इसको डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कप्पा पार्टिकल उपस्थित है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, इसका भी ये साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म प्लेन दिखाया है और इसका डॉट्स से दिखाया है, दोनों में साइटोप्लाज्म उपस्थित है, और लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में ये डॉट डॉट क्या उपस्थित है, कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल क्या करेगा, पैरामीटर का फॉर्म करेगा जो कि सेंसिटिव के लिए हानिकारक है। ठीक है, दोनों के मध्य क्रॉस हुआ तो क्या हुआ, कंजुगेशन होता है इसके अंदर, संयुग्मन होता है ना उसमें, कंजुगेशन बैक्टीरिया में देखा था इस प्रकार, एक कैपिटल के स्मॉल के स्मॉल, ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, इसमें कप्पा पार्टिकल उपस्थित है, दोनों में संयुग्मन हो गया। हम ये लिखेंगे कंजुगेशन, संयुग्मन प्रक्रिया हो रही है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटी ही समय के लिए हो रहा है, जिसकी वजह से देखते हैं क्या होता है, दो स्टेट मिलेंगे हमको, ये एक स्थिति है, एक कप्पा पार्टिकल उपस्थित है, एक नहीं है, दोनों कंजुगेशन हुआ, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए और दोनों की आपस बीच की भित्ति गल गई और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, तो दोनों का जो चीन है वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ये के इससे जुड़ जाएगा, ये के हमारे पास क्या संयुग्म प्राप्त होगा, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, दूसरे में भी कैपिटल के स्मॉल, यहाँ पर कंजुगेशन हुआ है बहुत छोटे समय के लिए हुआ है, बहुत कम समय के लिए हुआ है, शॉर्ट, जिसकी वजह से जीन तो आपस में मिक्स हो गए, जीनों में तो संयोजन हो गया परंतु साइटोप्लाज्म जो है उसका संयोजन नहीं हो पाया, तो जो साइटोप्लाज्म इसमें उपस्थित था किलर में उसमें उपस्थित रहा, इसमें नहीं, जो साइटोप्लाज्म इसका ना हो इसमें उपस्थित रहा, मिक्सिंग नहीं हुई, इस वजह से संयोजन तो क्या मिल गया, कैपिटल के स्मॉल के, और यह स्टैंड कैसा रहा, किलर पैक्रियम में था, दूसरे में क्या हुआ, संयोजन बदल गया कैपिटल के स्मॉल में परंतु साइटोप्लाज्म रुका हुआ रहा, तो यह कैसा रहा, सेंसिटिव, लेकिन कैपिटल के आने के बावजूद भी अभी वो कैसा आया, भाई जीन के हिसाब से देखो, जीन के हिसाब से क्या होना चाहिए, किलर हो जाना चाहिए ना, क्योंकि तो कैपिटल के क्या था, डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट एलील आ गया है उसके बावजूद भी वह कैसा है, सेंसिटिव, क्यों है सेंसिटिव, क्योंकि साइटोप्लाज्म मिक्स नहीं हुआ। चलो इसकी दूसरी परिघटना देखेंगे तो समझ में आएगा, जब इनके मध्य ऑटोगामी कराई गई, तो हमको संयोजन प्राप्त हुआ, किलर सेंसिटिव, Thank you.
ठीक है, और इसमें कैटालिसिस भी उपस्थित नहीं हो। कंजुगेशन कराएंगे तो ऐसे स्थिति में दोनों एक दूसरे को नजदीक आएंगे, वही बात होगी कैपिटल के स्मॉल के से मिलेगा। जहां पर जो कंजुगेशन होगा वह होगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो जाता है। यहां पर क्या हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो जाएगा तो पिलर वाले के साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, जिस प्रकार जीव बोल रहे थे, जीव जीव एक जो एलियन है एक दूसरे से जुड़ रहे थे, तो हमें क्या सेलियन प्राप्त होगा? कैपिटल के स्मॉल के और कैपिटल के स्मॉल के, लेकिन चूंकि साइटोप्लाज्म जो है दोनों का आपस में मिक्स हो गया है, तो दोनों में ही अब कप्पा पार्टिकल उपस्थित है, दोनों ही कप्पा पार्टिकल उपस्थित है, तो दोनों क्या हो गए? क्लियर स्टेट, ये भी क्लियर हो गया और ये भी, जबकि यहाँ पर क्या था? एक क्लियर था, एक सेंसिटिव। अंतर क्या रहा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंजुगेशन कम समय के लिए हुआ था पहले वाली परिस्थिति में, और दूसरी स्थिति में कंजुगेशन ज्यादा समय के लिए हुआ, कम समय में होने की वजह से एलील तो मिक्स हो गए परंतु साइटोप्लाज्म मिक्स नहीं हो पाए, जिसकी वजह से एक स्टैंड ब्लर मिला एक स्टैंड सेंसेटिव, जबकि दूसरी स्थिति में कंजुगेशन चूंकि लंबे समय के लिए था, ऐसी स्थिति में ना सिर्फ एलील मिक्स हुए बल्कि कोशिका द्रव्य भी आपस में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से दोनों ही स्टेन हमें कैसे प्राप्त हुए? पिलर पिलर स्टेन प्राप्त, समझ आएगा? इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि लक्षणों का निर्धारण हुआ, लक्षण परिवर्तित हो रहे हैं दोनों परिस्थितियों में, किसकी वजह से हुए? कोशिका द्रव्य की, कोशिका द्रव्य की वजह से लक्षणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, निर्धारण होना ही क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, समझ में आया? इसमें भी जब हम ऑटोकॉपी कराएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस प्राप्त होगा, दो पिलर होंगे, दो सेंसिटिव आ जाएगा, वहां पर क्या अनुपात था? एक अनुपात तीन का, और यहां पर क्या हो जाएगा? एक अनुपात एक, तो इस प्रकार जो लक्षणों का निर्धारण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि कोशिका द्रव्य में उपस्थित कारकों की वजह से होता है तो यह वंशागति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाती है, समझ में आया? मात्रत्व प्रभाव और कोशिका द्रव्य प्रभाव क्या है? तो यदि आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है कि कोशिका द्रव्य वंशागति को समझाइए, तो आप क्या बताएंगे उसमें कि वंशागति कैसे होती है? गुणसूत्रों के द्वारा होती है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। तो केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के कारण लक्षण जो है निर्धारित होते हैं, इसको हम केंद्रकीय वंशागति कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि यदि कोशिका द्रव्य में उपस्थित कारक संतति में उपस्थित लक्षणों का निर्धारण करने में सक्षम हो तो यह वंशागति कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाती है। हमने सबसे पहले वाला दिखाया था प्रयोग, ठीक है, जिसमें ए ए के समान हुई संतति दूसरे में बी के समान हुई, जबकि संयोजन एक ही थे ए और बी के मध्य क्रॉस करा, परंतु यह अंतर था कि मादा कौन है और नर कौन है, जिसकी वजह से हमें संतति में अलग अलग प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। कोशिका द्रव्य वंशागति या मात्र प्रभाव जो है यह क्यों हो सकता है? यह इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कोशिका द्रव्य का योगदान है
मादा कोशिका का नर कोशिका की तुलना में अधिक होता है। कोशिका द्रव्य किसका जाता है हमेशा? मादा कोशिका का। तो मादा कोशिका का कोशिका द्रव्य जाने की वजह से जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित कारक है कौन कौन से हो सकते हैं? प्लाज्मा जीन जो इसमें सम्मिलित है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया के जीन और लवक के जीन, क्योंकि लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अर्धस्वायत्त अंग हैं जो कि जिनमें कि डीएनए स्वयं का डीएनए पाया जाता है, स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। तो ये जीन भी उसके प्रभाव को निर्धारित करते हैं। इसके लिए हम मातृत्व प्रभाव को पढ़ने के लिए घोंगे में के कवच का कुंडलीकरण देखते हैं। दो प्रकार का कुंडलीकरण पाया जाता है, डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल। यदि कुंडलीकरण दक्षिणावर्त है तो डेक्स्ट्रल, या क्लॉकवाइज है तो डेक्स्ट्रल, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वह सिनेस्ट्रल। ठीक है, तो डेक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल में भी हमने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाए तो उसमें हमको अलग अलग प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए, अलग अलग प्रकार की संपत्ति प्राप्त हुई, जो कि यह निर्धारित करती है कि मादा कोशिका जो है वह लक्षणों को निर्धारित कर रही है, यानी कि मातृत्व प्रभाव दर्शाया जा रहा है। हमने कोशिका द्रव्य वंशागति को समझने के लिए पैरामीशियम के कप्पा कणों की वंशागति को समझने की कोशिश की। यहाँ पर हमने देखा कि संयुग्मन प्रक्रिया के दौरान यदि संयुग्मन कम समय के लिए होता है तो कोशिका द्रव्य आपस में मिक्स नहीं हो पाता। ठीक है, ऐसे स्थिति में हमको जो स्ट्रेन प्राप्त होते हैं, एक किलर प्राप्त होता है और एक सेंसिटिव, जो कि पैतृक कोशिकाओं के समान संयोजन प्राप्त होते हैं। जबकि यदि हम कंजुगेशन को ज्यादा लंबे समय के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि लंबे समय तक संयुग्मन प्रक्रिया होती है, तो ऐसे स्थिति में ना सिर्फ एलील मिक्स होते हैं बल्कि साइटोप्लाज्म भी मिक्स हो जाता है। तो सेंसिटिव कोशिका भी अब क्या बन जाती है? किला। यानी कि हमको पैतृक जो संयोजन थे उसके विपरीत दूसरे लक्षण यहाँ पर प्राप्त होते हैं, दोनों ही किला प्राप्त हुए, यहाँ पर एक किला था एक सेंसिटिव था। तो यह लक्षणों में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? साइटोप्लाज्म, दूसरे में आ गया उसमें नहीं आ। तो कोशिका द्रव्य के में उपस्थित कारकों की वजह से लक्षणों में परिवर्तन आया संतति के, यह भी एक कोशिका द्रव्य वंशागति कहलाता है। एक पोर्शन आपका खड़ी रूप में कंप्लीट हो गया।